प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। मेरी
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन चल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस महामारी के समय काल में परमेश्वर हमारी ओर बहुत ही दयालु बना रहा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर अद्भुत रीति से बना रहा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, विलाप गीत में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हम नाश नहीं हुए, यह परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया अमर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम महामारी के समय काल में से गुजर रहे हैं, हमारे विश्वास की एक परीक्षा है। हम किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यह हमारे लिए एक परीक्षा है। याद रखिए, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य शुरू किया है, और प्रभु यीशु मसीह में उस कार्य का अंत करने वाला भी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस महामारी के दौर में से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे अगले आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक यादगार सबक बना रहेगा। सबक यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का उस पर पूरा नियंत्रण बना रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में कलीसियाओं में बहुत सारी बदलावट आई हैं, या अलग अलग माध्यमों के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुतायत से उसके लोगों के पास पहुंच रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार जांचें, और जो कमियां हम में थी, उन कमियों को हम जानकर अपने जीवन में सुधार लाएं। परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीने का हम प्रयास करें। हम अपने आप को जांच लें, हम अपने कमजोरियों को जानें, और परमेश्वर के प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जिएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ एक अद्भुत अवसर है। ऐसे में आज मैं आपके सामने एक नई श्रृंखला शुरू करना चाहता हूँ। इस श्रृंखला में हम जो बातें देखने जा रहे हैं, ये तीन विशेष मुद्दों को हमारे सामने रखते हैं। वे मुद्दे क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान, और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य। आइए मैं आपके लिए एक और बार इसे दोहरा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान, और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य। इन बातों को समझने के लिए मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उन सात वचनों को आपके साथ अध्ययन करना चाहता हूँ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन सात वचनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। इन वचनों को अध्ययन करते समय हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को, और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे, और इन वचनों के द्वारा जो प्रोत्साहन हमें मिलता है, उस प्रोत्साहन से हम इस कठिन काल में से गुजरेंगे। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा समय है, जहां हम परमेश्वर के वचनों से प्रेरणा लें
और उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को एक उत्तम उदाहरण, एक उत्तम गवाही के रूप में इस जगत में प्रस्तुत करें। आज एक सवाल के साथ मैं अपने अध्ययन को शुरू करना चाहता हूँ। उस सवाल को समझने के लिए, उस सवाल के विषय को जानने के लिए आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 35वां वचन पढ़ें। और इन वचनों में हम इस तरह पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज के पहले सत्र में मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान एक विशेष शब्द की ओर मैं खींच सकूं, और वह विशेष शब्द है जीवन। जीवन क्या है? इस सवाल का उत्तर आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इससे पहले कि हम जीवन क्या है इसे समझ सकें, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जीवन कौन है? जब हम कलोसियों को लिखी गई पत्रिका उसका 3वां अध्याय और उसका 4वां वचन पढ़ते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इस वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह जो हमारा जीवन है। मसीह कौन है? मसीह हमारा जीवन है। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एफिसियों को लिखी गई पत्रिका 2वां अध्याय 1वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां हम इस रीति से पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए उस बगीचे का वह फल जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, अर्थात भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल था, उसे जब आदम ने खाया, तप्रियो आदम ने पाप किया। पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपने और मैंने आदम में पाप किया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया। पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। आप और मैं जब जन्म हुए, हम सांस तो लेते थे, जीवित तो थे, लेकिन मरे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। हम परमेश्वर के विषय के ज्ञान के संबंध में अंधकार में बैठे हुए लोग थे। हम मृत्यु की तराई में बैठे हुए लोग थे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसराइल का जो वारसत्व है, इसराइल के जो आशीषें हैं, उनसे हम वंचित किए हुए लोग थे। हम तो निकाले हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में हम जिलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमने जीवन पाया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। कितना सुंदर यह विषय है। आइए हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ें, और वह सवाल क्या है? जीवन क्या है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वर्ष के जनवरी 12वें तारीख को मैं सुसमाचार की एक सभा में वचनों की सेवकाई करने गया हुआ था। वचनों की सेवकाई हो पाती उसके पहले या सभा के शुरुआत के पहले मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने मित्र से हुई, जिनका नाम है समीर गायकवाड। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चाल है। तब उस भाई ने मुझे बताया कि वे पिछले दिनों में, अर्थात 2.5 साल की मेहनत से और 2 लाख के खर्चे से उन्होंने एक आविष्कार किया है, और उस आविष्कार का उन्होंने पेटेंट भी कराया है। वो भाई जब उसके विषय में वर्णन कर रहे थे,
वो भाई जब उसके विषय में वर्णन कर रहे थे, उस मशीन के बारे में मुझे बता रहे थे, उनके किए हुए परिश्रम के विषय में मुझे बता रहे थे, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैंने उनके आँखों में एक चमक देखी, मैंने उनके आँखों में एक घमंड देखा। एक गर्व का विषय है कि उन्होंने एक आविष्कार किया है। इस अनुभव को या उस प्रतिक्रिया को मैं उनके आँखों में देख रहा था। मेरे मन में एक सवाल था और जैसे ही सुसमाचार की सभा शुरू हुई, मैंने वह सवाल पूछा कि जब हम कोई नया आविष्कार करते हैं, हम उस पर जितना प्रेम दिखाते हैं, हम उस पर जितना गर्व करते हैं, हम जितना उस पर घमंड करते हैं, कितना आनंद उस पर मनाते हैं, क्या वह मशीन, क्या वह आविष्कार अपने बनाने वाले पर भी उतना ही गर्व कर पाता है? अपने बनाने वाले पर क्या वह घमंड कर पाता है? क्या वह अपने बनाने वाले का आनंद ले पाता है? आप इसका उत्तर जानते हैं प्रियो, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मशीन में जीवन नहीं है। उस मशीन में जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि समीर के पास उस मशीन में जीवन देने का सामर्थ्य नहीं है। समीर में उसे जीवन देने का सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि समीर जीवन का सोता नहीं है। जीवन का अधिकार, जीवन का उद्गम, जीवन समीर नहीं है। इसीलिए समीर के द्वारा किए गए मशीन में समीर जीवन नहीं डाल सकता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जीवन पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है। आप और मैं जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें जिलाने वाला, हमें जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है। जीवन क्या है? इस विषय को समझने के लिए जब हम बाइबल डिक्शनरी की ओर जाते हैं, कंसाइज बाइबल डिक्शनरी जीवन की परिभाषा इस रीति से बताती है कि जीवन के द्वारा सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता का आनंद ले सकता है। आपके लिए एक और बार दोहरा दूं, जीवन के द्वारा सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता का आनंद ले सकता है। और ऐसे में मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं इस परिभाषा को और विस्तृत करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन के द्वारा आप और मैं जो परमेश्वर की सृष्टि हैं, अपने परमेश्वर का आनंद ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, आदर कर सकते हैं और परमेश्वर का आराधना हम कर सकते हैं। यदि हम में जीवन ना हो, यदि हमने उद्धार न पाया हो, यदि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम में ना हो, तो हम परमेश्वर का आनंद नहीं ले सकते हैं, हम परमेश्वर का अनुभव नहीं ले सकते हैं, हम परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते हैं और मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। आज जो समय हमारे पास है, उसमें मैं पहले विषय को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, अर्थात हम कैसे जीवन के द्वारा परमेश्वर का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर का आनंद लेने के लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है कि एक व्यक्ति का उद्धार हुआ हो, एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले और उसका उद्धार हो जाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए मेरे साथ 51वां भजन निकालें और उसके 12वें वचन को पढ़ें। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा से मुझे संभाल। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन को एक और बार ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे।
यहाँ पर दाऊद इस भजन को लिख रहा है, या दाऊद का भजन उस समय की परिस्थितियों को स्मरण करते हुए दाऊद इस भजन को लिखता है, जहां पर नाथान नबी ने आकर दाऊद के पाप को पूरी भरी सभा में उसके सामने उजागर किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें यह स्मरण करना है कि जैसे ही नाथान ने कहा वह पापी तू है, दाऊद भरी सभा के सामने रो पड़ा, परमेश्वर के सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने में निकला हुआ यह एक भजन है। प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिए। दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। आपने गौर किया, यहां एक शब्द है जिसे हम सुनते हैं और वह शब्द है फिर। यदि दाऊद कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, इसका अर्थ है कि पाप करने के पहले दाऊद परमेश्वर के द्वारा किए गए उद्धार का हर्ष मनाता था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम बीमार होते हैं, हम कुछ खा नहीं सकते हैं क्योंकि कोई स्वाद नहीं रहता है। इसी तरह जब एक विश्वासी पाप करता है, उस पाप के कारण उसके जीवन में से उसके उद्धार का हर्ष निकल जाता है, उसके उद्धार का आनंद निकल जाता है। इसीलिए विश्वासी परमेश्वर का आनंद नहीं ले पाता है। दाऊद राजा है, राज सिंहासन पर बैठा है, रानी उसके पास है, मंत्रीगण उसके सामने हैं, सेनापति उसके सामने हैं और पूरी सभा भरी हुई है, लेकिन दाऊद के पास एक कमी है और वो कमी यह है कि दाऊद अपने उद्धार का आनंद नहीं मना पा रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए जो बचा हुआ समय है इसमें हम अपने आप को जांचें, परखें, टटोलें। क्या हम परमेश्वर के उस दिए हुए उद्धार का आनंद मना पा रहे हैं? पाप हमें उस उद्धार के आनंद से अलग करता है, जिसके कारण हम परमेश्वर का आनंद नहीं मना पाते हैं। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। यदि हम भटके हुए हैं, यदि हम अपने जीवन में उस उद्धार का आनंद नहीं मना पा रहे हैं, परमेश्वर हम पर दया करे, हमें क्षमा करे और हम परमेश्वर के उस उद्धार का हर्ष दोबारा मना सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में ही हम आपका आनंद ले सकते हैं। हमारे जीवन में पाप के कारण हम अपने उद्धार का हर्ष नहीं मना पाते हैं, हम आपका आनंद नहीं ले पाते हैं। प्यारे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे उद्धार के हर्ष को हमें फिर से दे, ताकि हम तेरा आनंद ले सकें और तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीषित कर विनम्रता की प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिताजी, आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन चल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे
बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।